दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आज आई हुई है हीरो HF डेलक्स BS6 FI बाइक। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, देखिए सबसे पहले मैं आपको चेक करा दूं, बाइक जो है अभी हमारी मात्र 16,410 किलोमीटर चली हुई है और सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर पेट्रोल चेक करा दूँ। तो यहाँ पर देखिए पेट्रोल इसके अंदर बहुत है, इसके अंदर कमी नहीं है पेट्रोल की। अगर आपकी बाइक के अंदर आधा टैंक पेट्रोल है या फिर फुल भरा हुआ है, और तब भी दोस्तों होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और जब आपकी बाइक कुछ घंटे के लिए गर्मी में खड़ी रहती है तो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में वो स्टार्ट नहीं हो पाती, या फिर जब वो स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वो मिसिंग करती है, तो वो एक्सीलेटर नहीं पकड़ती। तो ये इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके चलते आपने क्या करना है, इन सब की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों अगर आप एक मैकेनिक हो या फिर दोस्तों आप एक कस्टमर हो तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि आपकी बाइक के अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो देखा दोस्तों आपने इसके अंदर ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, बाइक जो है बिल्कुल भी एक्सीलेटर नहीं पकड़ती, एक्सीलेटर पकड़ने पर ये तुरंत बंद हो जाती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है और ये किस वजह से होता है, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके जो है आपने साइड पैनल को ओपन कर लेना है, जो ये बैटरी साइड वाला है इसका राइट साइड का। तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक फ्यूज बॉक्स देखने को मिलेगा, इसके अंदर 15 एम्पेयर और 10 एम्पेयर का फ्यूज लगा होता है। तो आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जो ये इसका ब्लू वाला फ्यूज है, नीले वाला, जिसके ऊपर 15 एम्पेयर लिखा है, आपने इसको जो है यहाँ से रिमूव कर देना है। अब आप सोचेंगे इसका इसके साथ क्या लेना देना है। तो अगर आपके मन में ये डाउट हो कि आपकी बाइक के अंदर बैटरी बिल्कुल ओके है, तो यहाँ पर दोस्तों आप ये गलती मत करना, आप पहले वीडियो को देख लेना और बात को सुन लेना, जिससे आपको भविष्य में दिक्कत ना हो और जिससे आपको ये बार बार इस प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हम इसके स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपकी कोई इंडिकेशन वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि वो बैटरी का काम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम इसके स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ पर बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो बाइक हमारी प्रॉपर एकदम स्टार्ट हो जाती है, ये फुल एक्सीलेटर पकड़ने लगती है। आप इसको 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपकी बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको 2 बार इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव। दोस्तों मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, ताकि आपको भविष्य में ये दिक्कत कभी ना आए। अगर आपकी बाइक में ये आ जाती है प्रॉब्लम इस तरह की, तो आप इसको अपने आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इनके अंदर ये प्रॉब्लम किस कारण से आ रही है, जो हमारी HF डेलक्स BS6 बाइक है। इनके अंदर देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, देखिए जैसे कि ये बाइक जो है हमारी धूप में खड़ी रहती है या कोई भी बाइक होती है, उसके अंदर जो इसका इश्यू सिस्टम लगा होता है, वहाँ पर होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा ओवर टेम्परेचर के कारण ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और हीट होने के चलते ये जो है हैंग हो जाता है, और हैंग होने के चलते ये प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता, जिसके कारण ये ना तो प्रॉपर सिग्नल ले पाएगा और ना ही आगे प्रॉपर सिग्नल दे पाएगा, ये इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। अब ऐसा इसलिए, देखिए जैसे कि आपने पुराने मोबाइल देखे होंगे, वो जब हैंग हो जाते थे तो ऐसे में वो क्या करते थे, वो उनके अंदर जो है मान लो जैसे कि डिस्प्ले चल रही है, जो उसके अंदर बटन वगैरह थे वो कोई भी वहाँ पर काम नहीं करते थे। तो ऐसे में हमने क्या करना पड़ता था, उसकी बैटरी को दोबारा निकाल के उसके अंदर डाल के तब उसको चलाना पड़ता था। तो वही प्रॉब्लम इसके अंदर आती है, और इसी तरह की प्रॉब्लम हमारे दिमाग में होती है। अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे हम जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप में खड़े हैं, और मान लो हमारे सिर पर कोई चोट लग जाती है, और जो हमारा दिमाग होता है वो प्रॉपर तरीके से जो है काम नहीं कर पाएगा, ना ही आगे सिग्नल प्रॉपर तरीके से दे पाएगा, क्योंकि हमने क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो है सोचने और कुछ काम करने की क्षमता बहुत कम रह जाती है। तो यही प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। तो जो इसका इश्यू होता है, ना तो ये प्रॉपर सिग्नल ले पाएगा और ना ही आगे प्रॉपर सिग्नल दे पाएगा कि इसने क्या काम करना है और क्या आगे करवाना है। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। तो अब यहाँ पर जो इसकी बैटरी होती है, जो इसका 15 एम्पेयर का फ्यूज होता है, आपने उसको यहाँ से निकाल देना है, जिससे यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि हम उसको दोबारा सप्लाई देते हैं तो वो जो है रीसेट हो जाता है, जैसे कि आपका मोबाइल, ठीक है, वो रीसेट हो गया और दोबारा वो ओके चलने लग गया। तो यही इसके अंदर हमें करना पड़ता है, तो जिसके चलते ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी बाइक के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसके अंदर चाहे तो बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट हटा सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर जो 15 एम्पेयर का फ्यूज होता है उसको भी यहाँ से हटा के दोबारा लगा देना, जिससे यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। और अगर आपको ये लगता है कि
जैसे कि मान लो आपकी बाइक स्टार्ट हो गई और आपने कुछ देर बाद इसके यहाँ पर बैटरी के फ्यूज़ को लगा दिया, या मान लो बैटरी का इसका पॉजिटिव पॉइंट दोबारा लगा दिया और बाइक तब भी प्रॉब्लम कर रही है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ कुछ देर के लिए अपनी बाइक को चला लेना है, ठीक है। जैसे कि आप अपने काम पर चले जाएं या अपने घर चले जाएं, उसके बाद आपने क्या करना है, बाइक को आपने छांव में खड़ी कर देना है, और छांव में जब आपकी बाइक खड़ी हो जाएगी तो ऐसे में जो है उसका इश्यू जब ठंडा हो जाएगा तो वो अपने आप प्रॉपर सही तरीके से काम करने लगेगा। तो दोस्तों ये इसके अंदर इसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, जिसका फिलहाल सिर्फ यही एक सोल्यूशन है जिससे यहाँ पर इसका इशू ठंडा हो जाएगा और वो प्रॉपर वर्किंग करने लगेगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी इस इशू के चलते, अगर आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो HF डिलेक्स हो या फिर आपकी स्प्लेंडर बाइक हो या फिर आपकी प्लेटिना बाइक हो, तो उन सभी के अंदर दोस्तों ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में दोस्तों आपने इसके फ्यूज को निकाल देना है, तो जिससे आपकी बाइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटी ही जानकारी थी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, और दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ कर लेना, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।